चलो ठीक है। तो अभी हमने जो किया था उसको कंटिन्यू करते हैं। हमने कुछ क्वेश्चन वगैरह भी कर लिए थे ना लेंस वाले, और ये भी किया था कि लेंस में म्यू को चेंज कर देंगे तो फोकस हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट आएंगे, किया था ना। तो चलो थोड़ा सा अगर हम रिविजन कराऊं, सपोज ये हमारे पास में एक लेंस है, सपोज इसका फोकल लेंथ -20, नहीं अपना 20, यहाँ पे एक ये रखा हुआ है प्लेन मिरर रखा हुआ है, इसका बीच का डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर, एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, इसकी हाइट है 2 सेंटीमीटर और इसको मैंने रखा हुआ है 60 सेंटीमीटर पे। तो बताओ फाइनल इमेज कहाँ बनेगी और उसका डायमेंशन कितना होगा। कर रहे हो ना, तुलिका? क्वेश्चन दिखाई है ना। हाँ, क्वेश्चन ये है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट है 2 सेंटीमीटर, सपोज इसको मैंने बोल दिया ए बी, जिसको एक कॉन्वेक्स लेंस से 60 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है, ठीक है, और तुमसे पूछा है कि बताओ अब क्या होगा। आगे एक अपना प्लेन मेरा रखा हुआ है 30 सेंटीमीटर पे, तो फाइनल इमेज कहाँ बनेगी और उसका हाइट कितना होगा। सिक्सटी 20, या फिर इसको और कुछ कर लो, रुको रुको, इसको 30 मत करो, इसको कुछ और हाँ कर लो। सर भाई, मतलब हाँ मिरर पे आ रहा था। मिरर पे हाँ आ रहा हाँ तो था। क्योंकि हाँ सर, वो तो फिर उसके उसी के ऊपर बन जाएगा पोल, इसको और 20 कर लो फिर। तो देखो क्या होगा, फर्स्ट इमेज कहाँ बनेगा। फर्स्ट इमेज के लिए हमारे पास में आएगा लेंस, और लेंस के लिए यू का वैल्यू कितना है, -60, फोकस कितना हो जाएगा 20, वी का वैल्यू क्या आएगा 1/v + 1/60 = 1/20, ठीक है, तो V का वैल्यू बन जाएगा मेरे पास में 30 सेंटीमीटर, लेकिन 30 सेंटीमीटर तो हमारे पास में है ही नहीं यार, तो क्या होगा, 30 सेंटीमीटर तो है ही नहीं ना, वो तो हमारा इधर आ गया। तो जैसे ये पॉइंट है मेरे पास में A, इसकी इमेज कहाँ बनेगी,
ये 30 पे, सपोज इस पॉइंट को मैंने बोल दिया ए डैश, ठीक है, और जो बी पॉइंट है उसकी इमेज कहाँ बनेगी? नीचे बिलो द एक्सिस, 1 सेंटीमीटर बिलो। तो पहले उसके लिए मैं निकालूंगा मैग्निफिकेशन, तो एम की वैल्यू कितनी आएगी? हाफ माइनस 1/2। हाँ, और माइनस क्योंकि ये इमेज कैसा है, रियल है तो उल्टा ही बनने वाला है, तो उसकी हाइट कितनी हो जाएगी? इसके सेंटीमीटर, इसकी हाइट कितनी है? 2 सेंटीमीटर, तो उसकी हाइट कितनी बन जाएगी भाई? 1 सेंटीमीटर, लेकिन नीचे की तरफ। तो ये लो, ये बन गया मेरा पॉइंट बी डैश। ये एक्चुअली बनना चाहिए था, अगर लाइफ में सब कुछ सही हो रहा होता तो ये लाइट यहाँ पे जाके ऐसे ये गई, लेकिन ये वापस नहीं आ पाएगी, जो यहाँ वाली जो लाइट है, ठीक है, ये ये यहाँ पे जाती, अगर तो हमारा इमेज उधर बनना चाहिए था, लेकिन अब वहां तो लाइट गई नहीं तो यहाँ पे आ गई। अब ये जो मेरा मिरर है, इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन सा बन गया? ए डैश बी डैश, उसका डिस्टेंस कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी? 10 सेंटीमीटर लेफ्ट, 10 सेंटीमीटर ही यहाँ की तरफ बन जाएगी। और वो कैसे बनेगी? सेम साइज की ना, इसकी हाइट भी कैसे आएगी? 1 सेंटीमीटर। ये बन जाएगा ए डबल डैश बी डबल डैश। अब यहां से यहां का डिस्टेंस कितना बच गया? 10 सेंटीमीटर। लाइट अब यहां की तरफ जा रही है, तो अब जो मेरा जो फॉर्मूला लगेगा लेंस वाला, लेंस में पता है कि फोकस डिस्टेंस तो उतना ही रहता है, तो अब क्या इक्वेशन बनेगी? 1/v माइनस 1/-10 = 1/20। तो क्या बन जाएगा? 1/v = 1/20 - 1/10। तो अब v का वैल्यू कितना आएगा? 20। यस सर। माइनस 20 का मतलब क्या हुआ? इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल। तो मेरी जो फाइनल इमेज है, ठीक है, वो ये 10 है ना, तो वो यहाँ पे बन जाएगी। उसका अब यहाँ पे जो मेरा मैग्निफिकेशन कितना बन गया, उसका सिर्फ वो मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। यू था 10, वी कितना हो गया ये, तो मैग्निफिकेशन कितना हो गया? 2 टाइम। वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है? इरेक्ट है ना, सीधी होती है ना, तो वो यहाँ बनेगी। तो फाइनल इमेज मेरी ये बन गई है। फाइनल इमेज ए ट्रिपल डैश पी। सर दूसरे केस में फोकस नेगेटिव नहीं होगा? हाँ, दूसरे वाले केस में फोकस नेगेटिव होगा ना, तो होने नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं अभी यहाँ बैठा हूँ, मैं देख रहा हूँ यहाँ से लाइट आ रही है, राइट, एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, फोकस कहाँ पे आएगा? इसका इधर आएगा ना, तो अगर मैं लाइट की तरफ जाने वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव लेता हूँ तो लाइट तो यहाँ से आ रही है ना। हाँ सर, रेफरेंस तो, हाँ तो रेफरेंस तो हमारी मर्जी है, तो हमारा इमेज वहां बन गया। जिस चीज को तुम ये भी बोल सकते हो ना कि दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर एंड लेंस, एक हमारे पास मिरर है, एक हमारे पास में लेंस है। ऐसे तुमको याद है हमने एक और क्वेश्चन किया था लास्ट क्लास के अंदर, जिसके अंदर दो वो थे, लेंस थे, एक लेंस को थोड़ा सा ऊपर रखा हुआ था, एक को नीचे रखा हुआ था। तो कॉम्बिनेशन भी हमारे पास में आ सकता है। अगर कॉम्बिनेशन आ रहा है तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि पूरी चीजों को अलग अलग सॉल्व करो, लेकिन कभी कभी हम एक शॉर्टकट मार सकते हैं। शॉर्टकट कैसे आता है? इफ आई कैन रिप्लेस, सपोज आई हैव अ मल्टीपल थिन लेंस, जो पहले स्पेसिफाई करना पड़ेगा, मल्टीपल थिन लेंसेस, जैसे कि एक लेंस ये है, एक लेंस ये है, एक लेंस ये है, सपोज इसका फोकस F1, इसका फोकस F2, इसका फोकस F3, इन तीनों को मैंने एक साथ में रख दिया। तो अब सपोज यहाँ पे कोई मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो उसका इमेज कैसे बनेगा? पहले उसका इमेज कौन बनाएगा? लेंस 1। लेंस 1 जो इमेज बनाएगा वो लेंस 2 के लिए क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट, अपना ऑब्जेक्ट बन जाएगा, फिर वो इमेज बनाएगा, फिर थर्ड वाला बनाएगा। तो
अब ये तो मुझे पता है ना कि इन तीनों को कंबाइंड करने के बाद मेरा क्या बनेगा, लेंस ही बनेगा ना, क्योंकि लाइट को तो पार होना ही है। तो लाइट अगर रिफ्रैक्ट होके आगे जा रही है तो मतलब अल्टीमेटली जो मेरा इंस्ट्रूमेंट बनने वाला है वो क्या बनने वाला है, लेंस। और ये भी थिन है, ये भी थिन है, ये भी थिन है, तो तीनों थिन को मिला दूंगा तो अल्टीमेटली मेरे पास एक क्या बनेगा, एक थिन लेंस ही बनेगा। ये मेरा थिन लेंस बन गया, एक थिन लेंस बन गया। और ये ऑब्जेक्ट मेरा यहां रखा हुआ था, इसका जो फोकल लेंथ था उसको मैं बोलता हूं एफ इक्विवेलेंट, कि अगर इन तीनों को रिप्लेस करके एक सिंगल लेंस को मैं रख दूं, ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज अगर वहां पे ही बने तो इस फोकल लेंथ को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। तो अगर एक ऑब्जेक्ट है, एक लेंस है, तो मुझे अगर लेंस का फोकल लेंथ है ना पता लग जाए तो हमारा काम हो जाएगा, तो उसी को हम इक्विवेलेंट फोकल लेंथ बोलते हैं। तो जैसे फॉर्मूला डिराइव करते हैं दो के लिए करते हैं, तो सपोज हमारे पास में ये रखा हुआ है लेंस, एक लेंस ये रखा हुआ है, एक लेंस यहां रखा हुआ है, इसका फोकल लेंथ f1, इसका फोकल लेंथ f2। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दोनों के प्रिंसिपल एक्सिस जो हैं वो सेम होने चाहिए, सेम लाइन में होने चाहिए। अगर दोनों के प्रिंसिपल एक्सिस अलग अलग हैं तो फिर हम इक्विवेलेंट फोकल लेंथ को नहीं लगा सकते, क्योंकि कहते हाइट वाला फैक्टर आ जाता है ना, इसलिए। तो अगर मुझे इसका इक्विवेलेंट फोकल निकालना है तो क्या मतलब होता है फोकस का, शिवेन फोकस क्या होता है, फोकस फोकस पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पैराक्सिस। यस, तो मतलब कि अगर मैं इनफाइनाइट से लाइट लेके आऊं और उसकी इमेज जहां बनेगी वो क्या है, वो हमारा फोकस है। तो ये देखो यहां से इनफाइनाइट लाइट आई, तो पहले वो लग गए लेंस वन पे, तो लेंस वन उनका इमेज कहां बनाएगा, और देखो ये भी पोल है और ये भी पोल है, दोनों पोल कैसे हैं, सेम, क्योंकि हमने अज्यूम किया हुआ है कि फोकल लेंथ नहीं, वो जो लेंस है वो एकदम थिन है, तो फर्स्ट इमेज कहां बनेगी, बाय एल वन, बताओ कहां बनेगी, एट, अगर इसको ओरिजिन बोल दूं, ये मेरे पास पोल है, तो कहां पे बनेगी, उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, एफ वन कॉमा जीरो, भाई पहला लेंस है उसकी इमेज कहां बनेगी, जहां पे उसका फोकस होगा। अब नाउ फॉर लेंस टू, एफ वन क्या है, एफ वन इज ऑब्जेक्ट, चाहे वो f1 पॉजिटिव हो या फिर f1 नेगेटिव हो, हमको उससे फर्क नहीं पड़ता। f1 जो कोऑर्डिनेट है वो सेकंड वाले लेंस के लिए क्या बन गया है, ऑब्जेक्ट, उसका फोकस कितना है, फोकस ऑफ l2 इज f2। अब जो फाइनल इमेज बनेगी फॉर्म बाय लेंस 2, उसको मैं क्या बोल दूंगा, फोकस अपना इक्विवेलेंट, क्योंकि उसके बाद तो कोई लेंस है ही नहीं मेरे पास में। तो फॉर्मूला क्या होता है भाई, फॉर्मूला ये होता है ना, वन बाई वी माइनस वन बाई यू इक्वल टू वन बाई एफ, तो वन बाई वी क्या हो जाएगा, एफ इक्विवेलेंट माइनस वन बाई यू क्या है, वन अपॉन एफ वन, और ये क्या है, वन अपॉन एफ टू, तो वन अपॉन एफ इक्विवेलेंट बन जाता है वन अपॉन एफ वन प्लस वन अपॉन एफ टू। मतलब कि दो लेंस को अगर मैं एकदम पास पास में रख दूं चिपका के, सच दैट यहां पे अपने कंडीशन प्रिंसिपल एक्सिस हैव टू बी सेम, एंड फॉर्मूला इज वैलिड ओनली फॉर थिन लेंसेस। तो इन दोनों को रिप्लेस करके मैं इससे कर सकता हूं, सच दैट वन अपॉन एफ इक्वल टू वन अपॉन एफ वन प्लस वन अपॉन एफ टू, एंड एफ वन एंड एफ टू विद साइन, फाइन, हाँ भाई, यस सर। ये रिलेशन मतलब तीन मिरर्स के लिए नहीं होल्ड करेगा ना, हो
होल्ड करेगा भाई, जैसे मान लो इसके सामने तुमको एक को रखना, तो पहले इन दोनों को कंबाइन करके मैंने किससे रिप्लेस कर दिया अपने इक्विवेलेंट से, उसके बाद में एक और। तो अगर तुमको जनरलाइज करना है एन का, तो वन अपॉन एफ वन प्लस वन अपॉन एफ टू एंड सो ऑन, वन अपॉन एफ एन थिन लेंस। अब तुमने एक वर्ड सुना होगा पावर, जैसे तुम में से काफी लोगों ने चश्मा पहना हुआ है ना, क्या मतलब होता है पावर का, पावर ऑफ लेंस। जैसे तो अगर तुम्हारा चश्मा प्लस 1.5 का है, इसका मतलब क्या होता है? यस, पावर हम जो बोलते हैं, पावर को हम बोलते हैं 1/f, ठीक है। और यहां जो मैं फोकस लेता हूं f इन मीटर्स, इसका फोकल लेंथ मीटर में लेता हूं, क्या आता है इसका यूनिट? हाँ भाई, डायप्टर। डायप्टर इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से, और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस माइनस डी से। प्लस होता है मतलब कि हमारा जो लेंस है वो कॉन्वेक्स लेंस है, और अगर माइनस है तो हम बोलते हैं कॉनकेव लेंस है। जिसकी जितनी ज्यादा पावर मतलब उसका फोकल लेंथ उतना ही कम है। तो अगर इसको जनरलाइज फॉर्म में देखना है तो ऐसे कर सकते हो ना कि सपोज ये मेरे पास में एक लेंस है और ये एक लेंस है, यहां से लाइट आई, इसने यहां जाके इसको कन्वर्ट किया इतना दूर, एक यहां से आ रहा था, इसने यहां कन्वर्ट कर दिया, बताओ तो किसका पावर ज्यादा है? ये है ना मोर पावरफुल, क्योंकि भाई उसने लाइट को बहुत पहले कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि इसका फोकल लेंथ कम है, इसका फोकल लेंथ ज्यादा है। अगर मैं इक्विवेलेंट के अंदर इस चीज को लिखना चाहूं तो क्या बन जाएगा पावर इक्विवेलेंट, क्या बन जाएगा? पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री एंड पी एन। तो पावर जो है वो सिंपली ऐड हो रही है, फोकल लेंथ कैसे ऐड हो रही है, इनवर्सली, ठीक है। हाँ भाई, हेलो, अरे आवाज आ रही है? हाँ, सब लोग चुपचाप बैठे हो। हाँ भाई, इजी चीज है, तुमको आती होगी ना, ये क्लास है उसमें भी थी ना, टेंथ में भी थी शायद ये। हाँ सर, हाँ सर था। हाँ यस, तो देखो अब इसके ऊपर जो क्वेश्चन है, सर एक मिनट थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कीजिए ना, ये और ऊपर। हाँ सर, हो गया। देखो अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं, तुमको याद है लास्ट क्लास के अंदर मैंने तुमको बताया था कि अगर एक लेंस मेरे पास में ऐसे है, अगर इस लेंस को मैं यूं काटता हूं तो क्या इसका फोकस चेंज होता है? अगर इसका फोकस एफ है, तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसका फोकस भी एफ है, और जो नीचे वाला पार्ट है इसका फोकस भी एफ है। अब मैं इसको ऐसे नहीं काटूंगा, सपोज मेरे पास में एक बाइकॉन्वेक्स लेंस है, लेंस ऑफ फोकस 20 सेंटीमीटर, ठीक है ये, और मान लो इसका इक्वल रेडियस है दोनों तरफ का, ठीक है। इसको पहले मैंने ऐसे काटा तो हमारे पास में ऐसे बनेंगे पार्ट, है ना, ये इन दोनों को मैंने कंबाइंड करके ऐसे रख दिया, तो बताओ इसका फोकस अगर एफ है तो इस पूरे कंबाइंड अपने सिस्टम का फोकस कितना बन जाएगा? ऐसे क्यों? इसका फोकस भी एफ, इसका फोकस भी एफ, तो एफ जो इक्विवेलेंट होता है वो क्या होता है, 1/f + 1/f, ठीक है, तो फोकस इक्विवेलेंट बन जाएगा एफ बाई टू। या फिर ये भी कह सकते हो इसका पावर अगर पी है तो इसका पावर भी पी, इसका पावर भी टी, तो पावर इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा, पी वन प्लस पी टू, मतलब पावर कितना हो गया, ट्वाइस, ठीक है ओके। अगर इसी लेंस को मैं ऐसे काट दूं यूं, इसका फोकस एफ पावर पी, तो ये जो हिस्सा बनेगा ये वाला, बताओ इसका फोकस कितना होगा और पावर कितना होगा, रेडियस इक्वल है दोनों तरफ के, अगर लेंस को बीच में से काट दिया ऐसे
तो फोकस क्या हो जाएगा और पावर क्या हो जाएगा? फोकस हाफ और पावर डबल। फोकस हाफ और पावर डबल। हाँ भाई और कोई? सर फोकस डबल नहीं होगा? यस सर फोकस डबल होगा। फोकस हो जाएगा डबल, पावर हाफ हो जाएगी। भाई इसके सामने तुम एक और को लाके रखोगे तो पावर को क्या होना पड़ेगा? पी। या फिर तुम ये देखो ना, पहले क्या था, वन अपॉन एफ इक्वल टू म्यू माइनस वन, वन अपॉन आर माइनस वन अपॉन माइनस आर, ये था ना, इसको मैंने फोकस बोला था। अब क्या बन गया, वन अपॉन एफ डैश इक्वल टू म्यू माइनस वन, वन अपॉन आर, और आगे वाले का कितना हो गया, वन अपॉन इंफिनिटी। अब कंपेयर करो तो वन अपॉन एफ इक्वल टू म्यू माइनस वन टू बाई आर, और ये क्या है, वन अपॉन एफ डैश म्यू माइनस वन वन अपॉन आर। तो बताओ क्या बन गया दोनों का रेशो? अरे उधर का फोकस मेरा डबल हो गया ना, तो वन अपॉन एफ डैश इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या है, वन अपॉन टू एफ, तो फोकस मेरा डबल हो गया। अगर मैं लेंस को ऐसे वर्टिकली काट दूंगा, ठीक है, तो फोकस डबल हो जाएगा, मतलब कि पावर उसका हाफ हो गया। लेकिन अगर मैं उसको ऐसे काटता हूं यूं along the principal axis, या फिर any line which is parallel to the principal axis, तो focus और power उसका same रहता है। Okay? Yes sir. Yes, आगे आते हैं। तो पहले equivalent ही निकालेंगे हम। Suppose मेरे पास एक lens है, इसका तुमको mu दिया हुआ है 3/2, और ये ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, इसका फोकस तुमको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, और ये रेडियस भी आर है, ये रेडियस भी आर है, ओके? अब मैंने क्या किया, इसको अब बीच में से काट दिया, यहां से काट दिया, और दोनों पार्ट को ऐसे रख दिया मैंने, ये मैं ऐसे हो जाएंगे ना दोनों, ये हो गया ऐसे, और जो इनके जो बीच वाला पार्ट था उसके अंदर पानी भर दिया, और ये जो पानी है इसका म्यू है 4/3, तो बताओ इसका फोकस इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? चलो चलो आंसर बताओ जल्दी, नंबर्स में आना चाहिए, वेरिएबल में नहीं आना चाहिए कुछ भी, क्योंकि हमको सब डेटा पता है। सर 4/3 होगा। 4/3 क्या? फोकस? सॉरी सर, एक
अभी अपना आंसर लिखो चैट में। हाँ भाई आंसर आर्यन 80, पार्थ 15, शिवेन के 30, सबके अलग अलग आ रहे हैं। लिखो लिखो और लोग भी लिखो। खुशी क्या आ रहा है? प्रतीक्षा 60। तो पहले तो ये बताओ कि फोकस हमारा इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? भाई देखो, पहले हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस था, अब हमने उसके साथ में क्या लगा दिया, कॉनकेव लगाया ना बीच में। तो अगर कॉन्वेक्स की पावर पॉजिटिव है तो कॉनकेव की पावर कैसी हो जाएगी? नेगेटिव। और पॉजिटिव नेगेटिव को ऐड करूंगा तो बेसिकली जो नंबर आएगा पहले वाले से तो कम ही आएगा, तो पावर मेरा कम हो गया। पावर अगर कम हो गया है तो फोकस को इंक्रीज होना चाहिए, तो आंसर मेरा 20 से तो बड़ा ही आना चाहिए। 20 से कम तो आ ही नहीं सकता है। तो पहले देखते हैं, पहले बताओ जो पहला पार्ट है उसका फोकस कितना बन जाएगा इस वाले का? तो इसका फोकस F1 क्या होगा? एक लेंस को मैंने बीच में से आधा काट दिया, क्या हो जाएगा फोकस? 40 ना, डबल हो जाता है ना। और इसका कितना हो जाएगा? इसका भी 40। बीच वाले को अलग कर लेता हूं, जो बीच वाला है वो कुछ ऐसा है, इसका म्यू कितना है? 4/3। इसका रेडियस कितना बनेगा? इतना आएगा ना आर। तो यहां से देखो तो 1/, सपोज इसको मैंने बोल दिया F2, तो क्या आएगा? 4/3 माइनस 1 क्या आएगा? 1/r। और माइनस इसका आर कैसा? पॉजिटिव। सो 1/F2 इक्वल टू 1/3 माइनस 2/r। और यहां पे मुझे क्या दिया हुआ था कि 1/20 इक्वल टू 3/2 माइनस 1 1/r माइनस 1/r, मतलब कि 1/20 इक्वल टू 1/2 2/r। तो यहां से मुझे पता है 2/r की वैल्यू कितनी है, माइनस साइन। 2/r की वैल्यू क्या आएगी? 1/10। तो 1/ जो F2 है उसकी वैल्यू आएगी माइनस 1/30। ठीक है,
तो हमारा जो f इक्विवेलेंट बनेगा दैट इज 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2 प्लस 1 अपॉन f3, तो 1 अपॉन 40 प्लस 1 अपॉन 40 माइनस 1 अपॉन 30, तो क्या आएगा 1 अपॉन 20 माइनस 1 अपॉन 30, तो फोकस क्या बन जाएगा 60 सेंटीमीटर। अब बाकी लोग मुझे बताओ जिसके आंसर ये कुछ और आए थे तुमने क्या किया? आर्यन क्या किया? आर्यन पार्थ सर, और शिवेन साइन की गड़बड़ी कर दी। यार साइन की सारी कहानी तो साइन की है, कॉनकेव कॉनवेक्स तुमको देखना पड़ेगा कि जो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बन रहा है वो ना कौन सी तरफ बन रहा है, उसके बिना तो कर ही नहीं पाओगे। सर मेरे को एक डाउट था, एफ1 और एफ3 के साइन उल्टे नहीं होंगे क्या? तुम बताओ किसी लेंस को अपने उल्टा रख देते हैं तो क्या उसका फोकल लेंथ ना बदल जाता है? अगर तुमको ऐसा है बना के देख लेते हैं चलो, ठीक है ये बताओ, यहाँ पे प्लेन सरफेस है और यहाँ पे मेरा कर्वेचर है, ठीक है, इसके अंदर मैंने यहाँ की तरफ रखा प्लेन और यहाँ की तरफ कर्वेचर कर दिया, इसका म्यू भी कितना है 3/2, इसका म्यू भी कितना 3/2, इसका रेडियस आर ये कितना अपना इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट ये आर, बताओ कि क्या होगा, बताओ 1 upon f1 क्या होगा बेटा? अरे बोलो 3/2 - 1। यस वेट 3/2 - 1, फिर आता है 1/r1, यहां पे r1 कितना है 1/r ना पॉजिटिव आएगा क्योंकि उस तरफ है, ओके और r2 कितना है अपना इनफिनिटी, ठीक है ओके। अब इसकी बात करते हैं सेकंड वाले, सपोज इसको मैंने बोल दिया f3, म्यू माइनस वन तो उतना ही रहेगा, यहाँ पे r1 कितना है yes, sir. Infinite. लेकिन r2 माइनस में है तो माइनस r, तो देखो ना दोनों बराबर ही है, सेम है। तो किसी भी लेंस को अगर हम उल्टा रख देते हैं तो उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। अगर तुमको याद हो ना 10th क्लास का, जब भी हम लेंस को बनाते थे तो हम ऐसे रखते थे, हम इस पॉइंट को पोल बोलते थे और तो यहाँ पे हम बनाते थे एक पॉइंट एफ, तो यहाँ भी मैं लिखता था एफ क्योंकि लाइट इधर से भी आ सकती है उधर से भी आ सकती है, और अपना एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट होता था ना, क्या बोलते थे उसको 2f, याद है किसको बोलते हैं 2f? सेंटर ऑफ कर्वेचर, नहीं 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 सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इसके अंदर दो दो होते हैं ना, जैसे मिरर के अंदर सेंटर ऑफ कर्वेचर कौन से पॉइंट को बोलते थे? अरे स्फेरिकल मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर कौन सा पॉइंट होता था? अगर मैं ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखता था तो इमेज भी कहां पे बनती थी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो वैसे ही ये जो पॉइंट है ये उसी के इक्विवेलेंट है कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहां रखता हूं, ठीक है, तो इसकी इमेज कहां बनेगी? यहां पे ही बनेगी, ये ऑब्जेक्ट ये इमेज। तो ये जो हमारा है ये मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर के इक्विवेलेंट है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है नहीं इसीलिए हम इसको बोलते हैं 2f। तो जब भी हम लेंस को रिप्रेजेंट करेंगे तो ऐसे ही करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड में भी लिखेंगे राइट हैंड साइड में भी लिखेंगे, फाइन? यस सर। ओके चलो और देखो, सपोज जैसे हमारे पास में एक पानी का टैंकर था ऐसा, ये पूरा पानी से, चलो इसको पूरा बनाते हैं भरा हुआ, सपोज ये ऐसा, ठीक है, इसमें पानी यहां तक भरा हुआ था और पानी का हमको ना पता होता है म्यू कितना होता है 4/3। मैंने एक लेंस को ला के ऊपर रख दिया इसके ऊपर और लेंस को मैंने कुछ ऐसा रख दिया, वो अपने आधा अंदर डूब गया और आधा ऊपर, ठीक है, इसका जो म्यू है
दैट इज एन 3/2। ये जो है इसके आर वन इक्वल टू आर टू इक्वल टू सपोज हमने बोल दिया 20 सेंटीमीटर, राइट। मैं यहां बैठा हूं और एक ऑब्जेक्ट जो है वो यहां पे रखा हुआ है, तो ये जो डिस्टेंस है सपोज 40 सेंटीमीटर है, और ये जो लेंस है ना थिन लेंस है, और ये जो तुमको दी हुई है ना डेप्थ, ये भी मान लो 40 सेंटीमीटर है। तो बताओ इस ऑब्जर्वर को इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ दिखेगा? ट्राई करोगे? अप्रोच बताओ पहले तो पार्थ। सर पहले लेंस फॉर्मूले से हम इमेज निकालने, ठीक है, फिर मतलब पहले फोकस निकालेंगे, फिर फिर इमेज निकाल लेंगे, देन ओके। सर फिर वो जो इमेज आएगी वो तो एयर के रिस्पेक्ट में रहेगी, तो उसका मीडियम कन्वर्ट करेंगे, लेकिन जो आगे वाली सरफेस है वो भी तो कर्वेचर है ना, प्लेन थोड़ी ना। सर पर अब ये लेंस थोड़ी है, आपने बोला था कि दोनों तरफ मीडियम सेम होना चाहिए। यस, ये है ही नहीं ना, लेंस है ही नहीं। क्या मैं इसको लेंस में कन्वर्ट कर सकता हूँ? यस, मैं इसको लेंस में कन्वर्ट कैसे किया? ये मेरे पास में एक लेंस ये है, अच्छा डायग्राम ही नहीं बन रहा। ये मेरे पास में एक लेंस, सपोज मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, ये लो, ये हमारे पास में बन गया एक लेंस। इसके लिए हमको क्या दिया हुआ है? म्यू की वैल्यू दी हुई है 3/2 एंड आर वन आर टू 20, ठीक है। इसके नीचे क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि एक पानी का है जो कि ऐसा है प्लेन, ऐसा थिन लेंस बन गया ना वो, तो ये देखो ये अगर मैं उस लाइन को यहां से ले लूं तो ये जो मेरा जो जो येलो वाला जो बन रहा है उसको ध्यान से देखो, वो क्या बन गया? थिन लेंस बन गया। yes, sir. और उसके yes, नीचे क्या है? एक स्लैब। स्लैब, ठीक है। तो स्लैब का मुझे ये पता है ये कितना है 4/3, स्लैब का हाइट कितना दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, क्योंकि मैंने तो पहले दिया हुआ है ना कि वो तो बहुत थिन है। इसको मैंने बोल दिया F1, इसको मैंने बोल दिया F2, बस। अब देखो F1 और F2 का इक्विवेलेंट मैं निकाल सकता हूँ, yes, है ना भाई? तो बताओ तो पहले तो अपने F1 निकालते हैं, क्या आएगा 1/F1 क्या आएगा? 1/20 3/2 - 1 1/20 - 1/20, तो 1/F1 की वैल्यू क्या बन जाएगी भाई? 1/20, इक्वेशन 1। वैसे ही अगर मैं निकालू 1/F2 क्या बन जाएगा? 4/3 - 1। उसके लिए R1 कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव, नेगेटिव और माइनस इनफाइनाइट, तो 1/ जो F2 आएगा दैट विल बी 1/3, ये तो -1/60, तो सबको सेंटीमीटर में है तो लिखने की जरूरत नहीं है। ये इक्वेशन 2, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा? इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करके इक्विवेलेंट बनाना चाहूं तो क्या बन जाएगा? 1/F equivalent = 1/20 - 1/60, तो क्या बन गया? 1/30. तो मतलब मेरे पास एक ऐसा बन गया है लेंस जिसका फोकल लेंथ कितना है 30। अब मुझे पता है कि नंबर पॉजिटिव आया है तो मेरा जो लेंस बनेगा वो वन किस टाइप का बनेगा? 30 सेंटीमीटर, ये लो। इसके सामने ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, कितना दूर पे रखा हुआ है? 40, ठीक है। ये लो एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है जिसका डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर,
तो बताओ इसकी इमेज कहाँ बनेगी? इसकी इमेज 1/v - 1/-40=1/30. तो 1/v क्या बन जाएगा? 1/30 - 1/40. तो v का वैल्यू आ जाएगा 120. जो डिस्टेंस है वो तुम्हारा किस में आया? एयर में. एयर में आया ना, है ना? राइट. लेकिन अब तुमको याद है मैंने तुमको पहले दिन एक ना क्वेश्चन कराया था जब वो है ना रिफ्रेक्शन फ्रॉम द कर्व सरफेस कर रहे थे, उसके अंदर भी तो ऐसा ही था ना, बस इसको उल्टा कर वो कर दिया मैंने, तो उसके अंदर भी स्लैब थी. तो लेकिन उस दिन तुमको मैंने ये नहीं बताया था कि इसका इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर सकते हैं. अब बोल रहा हूँ कि उस दिन भी हम इक्विवेलेंट फाइंड कर सकते थे, लेकिन उस टाइम हमने इक्विवेलेंट का फॉर्मूला डिराइव नहीं किया था तो मैंने बताया नहीं था. तो अब क्या बन गया है कि अगर ये लेंस, अगर इमेज बनाता जैसे यहाँ पे बनाता, तो इसकी इमेज कहाँ बनती? 120 सेंटीमीटर पे, है ना? तो ये 120 सेंटीमीटर पे बनती. सपोज ये जो डिस्टेंस है ये कितना बन गया? 120 सेंटीमीटर. लेकिन इसके आगे मैंने एक स्लैब रखा हुआ है, स्लैब का वो कितना है, विड्थ कितना है स्लैब का? फोर्टी सेंटीमीटर. तो 40 सेंटीमीटर और इसका म्यू है 4/3. तो वो जो 40 सेंटीमीटर 4/3 है वो क्या करेगा इस इमेज को, आगे करेगा पीछे करेगा? आगे करेगा पीछे करेगा? भाई हमको इतना पता है ना कि इसकी तरफ से जो ये जो आएगा शिफ्ट क्या होता है, शिफ्ट t(1 - 1/μ) रिलेटिव. तो हमारा थिकनेस कितना है 40 और 40 1/ इसमें कितना आएगा 1/4/3, तो 3/4, तो कितना आ जाएगा 4 - 3 10. तो मतलब हमारी जो शिफ्ट है वो 10 सेंटीमीटर की होनी चाहिए. लेकिन अब जो 10 सेंटीमीटर है वो यहाँ पे बनेगा या यहाँ पे बनेगा, वो चलो बताओ. अगर तुमको पहले वाला क्वेश्चन याद हो तो सर आगे यहाँ पे क्यों, ये जो लाइन है ये वाली लाइन तो कैसी है, वर्चुअल लाइन है ना ये तो, और हमको पता है कि लाइट अपना पाथ है रिट्रेस करता है. तो अगर मुझे इस वर्चुअल लाइन पे जाना है तो लाइट यहाँ होनी चाहिए ना, भाई ऐसा ही तो होता है. अगर ये स्लैब है, मेरा ऑब्जर्वर यहाँ बैठा है, अगर वो किसी ऑब्जेक्ट को और देख पा रहा है ये, तो उसको लग रहा है कि लाइट यहाँ से आ रही है, लेकिन एक्चुअल में ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, यहाँ पे होता है ना, तभी तो एपरेंट आता है, शिफ्ट आता है, इसी को तो बोलते हैं एपरेंट शिफ्ट, कि लाइट यहाँ आती है फिर यूँ होती है फिर यूँ चली जाती है, हमें लगता है यहाँ से आ रही है. तो एक्चुअल जो इमेज है वो यहाँ बनेगी, एक्चुअल इमेज यहाँ पे 10 सेंटीमीटर. तो फाइनल जो है वो कहाँ पे मिलेगा, वो यहाँ पे. अगर लाइट बाहर जा पाती तो, लेकिन मेरा ऑब्जर्वर कहां बैठा है यहां पे? हाँ भाई, ऑब्जर्वर हमारा बैठा है पानी के अंदर. तो बताओ ऑब्जर्वर को क्या लगेगा कि इमेज कहां बन रही है? भाई ये सब कुछ तो हमारा उसका हो गया ना, एयर का हो गया कि फाइनल इमेज हमारी वहां बनेगी, लेकिन हमारा ऑब्जर्वर कहाँ बैठा है? यहाँ बैठा ना, इसके इसके अंदर बैठा है. तो इसको क्या दिखेगा, इसके लिए यहाँ से यहाँ का जो अपना डिस्टेंस है वो कितना है? ये 120 है
और 40 हो गया, तो ये बन गया 90 सेंटीमीटर. 90 सेंटीमीटर इन एयर, हमारा अपना ऑब्जर्वर किसमें बैठा है, पानी में, तो उसको 90 सेंटीमीटर कितना दिखेगा, 90 × 4/3 = 120, है ना. जब तुम्हारा जैसे कि फिश है, और फिश अगर बर्ड को देखती है तो उसको डिस्टेंस है ना ज्यादा दिखता है, और लेकिन अगर बर्ड अगर फिश को देखता है तो उसका डिस्टेंस कम होता है ना, वो अपना रिलेटिव वाला फंडा आता है, म्यू वाला. तो अगर मेरा ऑब्जर्वर उसको देखेगा तो वो बोलेगा कि तुम्हारी जो फाइनल इमेज है इस पॉइंट से कहाँ पे बनेगी, 120 सेंटीमीटर नीचे, क्योंकि ऑब्जर्वर पानी के अंदर बैठा है. ऑब्जर्वर अगर मेरा बाहर बैठा होता तो क्या बोलता, अगर ऑब्जर्वर यहाँ होता इसके लिए कितना होता, 90, पानी वाले के लिए 120. ठीक है, हाँ भाई. अरे बोलोगे कोच? यस यस सर. अब सपोज हमारे पास में कॉम्बिनेशन आ रहा मिरर प्लस लेंस का, इसके ऊपर अच्छे क्वेश्चन बनते हैं. मिरर प्लस लेंस, तो अगर मेरे पास मिरर प्लस लेंस है तो फाइनल जो चीज बनेगी मेरे पास में वो क्या होगी, है मिरर होगी या फिर लेंस होगी. सपोज ये मेरे पास में एक लेंस है और इसके बाजू में एक मैंने लगा दिया मिरर, और दोनों ही कैसे हैं, थिन, और दोनों के प्रिंसिपल एक्सिस भी कैसे होने चाहिए, सेम. कैसे, क्या कंडीशन है, थिन प्लस सेम प्रिंसिपल एक्सिस. सपोज इसका, इसको मैंने बोल दिया फोकल लेंथ ऑफ लेंस, इसको बोल दिया फोकल लेंथ ऑफ मिरर. तो इनका जो इक्विवेलेंट बनेगा, तो पहले तो देखो कि क्या चीज हो रही है, जो भी एक्टिविटी होगी वो कैसे होगी. पहले लाइट यहां से गई, क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, लाइट इसके अंदर जाएगी, फिर यहां से स्ट्राइक करेगी, और इस पे स्ट्राइक करने के बाद में क्या होगा, लाइट वापस आएगी, तो वापस इसके ऊपर आएगी, लेंस में से निकलेगी और वापस यहां पे आ गई. तो अगर मैं इस पूरे सिस्टम को कंबाइन करके देखूं तो इसका जो है बिहेवियर जो आएगा वो कैसा बनेगा, मिरर या लेंस, मिरर. मिरर, तो हम बोलेंगे कि जो जो हमारे पास में इक्विवेलेंट जो चीज आएगी वो आएगा एफ इक्विवेलेंट ऑफ मिरर. पूरे सिस्टम को आई कैन कन्वर्ट इनटू ए मिरर, और मुझे मिरर का फॉर्मूला पता है. मिरर के लिए क्या फॉर्मूला होता है, 1/v + 1/u = 1/f mirror. तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं, सेम चीज करते हैं जो हमने लेंस के लिए किया. तो पहले मैं बनाता हूं लेंस, जो मेरा जो लेंस है वो कैसा है. ये मेरे पास में लेंस है. नाउ आई एम प्लेइंग विद कोऑर्डिनेट, लाइट यहां से आ रही है, दिस इज लाइट का डायरेक्शन. ओके, तो इसका फोकल लेंथ अगर एफ एल है तो यहां जो फोकस होगा ना इसका फोकस, तो ये क्या हो जाएगा, एफ एल. लेकिन लाइट जब अगर वापस आएगी तो इसका फोकस क्या बन जाएगा, और ये मेरे पास में है मान लो मिरर. लाइट जब यहां की तरफ आएगी लेफ्ट टू राइट तो इसका भी यहां पे कहीं आएगा ना फोकस ऑफ मिरर. लेकिन जब लाइट मेरा रिफ्लेक्ट होके ऐसे आएगा, यहां से लाइट जब यूं जाएगा तो इसी लेंस का जो फोकस ये था वो कौन सा बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा. लेकिन इसका जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है, माइनस एफ. तो जब मैं पहली बार फॉर्मूला लगाऊंगा तो सपोज मैं इनफाइनाइट से लेके आ रहा हूं रेस को, लाइट मेरी इनफाइनाइट से आ रही है, ठीक है, तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन. सर माइनस एफ एल क्यों, क्योंकि लाइट अब मेरी उल्टी तरफ से आ रही है, लेकिन मैं अपने इसी को बोल रहा हूं पोल. तो जब लाइट वहां से आएगी तो अब मेरा फोकस का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या बन गया है. हाँ सर समझ गए. ठीक है,
तो फर्स्ट मेरा वो होगा रिफ्रैक्शन होगा, तो रिफ्रैक्शन के टाइम में इमेज कहां बनेगी, तो मैं लिखूंगा कि 1/V1, मतलब कि पहला इमेज जो बना, ठीक है, -1/-infinity से लाइट आ रही है, =1/FL. दिस एफ एल इज द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस पॉइंट व्हेन लाइट इज कमिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ठीक है, तो ये मेरा बन गया फर्स्ट इमेज. Form by lens. अब बताओ इस लेंस ने कहां पे इमेज बनाई, इसे बनाई ना V1 पे बनाई. सपोज यहां कहीं है वो V1, सपोज ये कोऑर्डिनेट है V1. अब बात करते हैं मिरर की. सेकेंड इमेज कौन बनाएगा, मिरर. मिरर के लिए व्हाट इज यू, यू क्या है उसके लिए, ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट क्या है, V1. सर V1 FL है ना, हाँ V1 FL पे होगा, हाँ वो तो FL पे होगा. चलो ठीक है, इस केस में हम बोल सकते हैं कि FL पे ही होगा. ये हो गया V1, ठीक है, ओके, जो V1 है और जिसको मैं बोल सकता हूँ कि FL. इसका जो फोकस है वो क्या है, फोकस ऑफ मिरर. अब देखते हैं इससे जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी. इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है मिरर के लिए, 1/V2 + 1/U = 1/FM. तो क्या बन जाएगा, 1/V2, ये क्या है, U क्या है भाई, +1/F mirror = 1/FM. तो यहां से 1/ जो V2 है वो बन जाएगा 1/FM. यार एक चीज तो गलत लिख दिया, U = FL है ना, तो 1/-FL, ये इक्वेशन 2. अब नाउ लाइट डायरेक्शन इज रिवर्स, राइट. तो अब अगर मैं इसी लेंस की बात करूं तो लाइट यहां से आ रही है, लेकिन इसके लिए ऑब्जेक्ट का जो कोऑर्डिनेट है वो तो मैं इसी को ले रहा हूं ना, V2 को ही ले रहा हूं. V2 इज ऑब्जेक्ट फॉर लेंस, लेकिन फोकस अब कौन सा बन गया इसका, यहां वाला बन गया. इसके कोऑर्डिनेट क्या है, -FL. तो अब इसके लिए अगर मैं लिखूंगा कि जो यू है, यू क्या है इसके लिए, V2. फोकस क्या है इसके लिए, -FL. और इससे जो फाइनल इमेज बनेगी उसको मैं क्या बोलूंगा, जो फाइनल इमेज बनेगी वो क्या है मेरा, फोकस इक्विवेलेंट. लेकिन वो जो मेरा इंस्ट्रूमेंट बनेगा वो क्या बन जाएगा, मिरर. इसलिए मैंने वो लिख दिया ये. तो अब फॉर्मूला लगाता हूं ना, लेंस वाला फॉर्मूला क्या होता है, लेंस वाला फॉर्मूला 1/V माइनस 1/U. क्या है 1/U, V2 = क्या होता है, 1/F माइनस 1. ठीक है, तो अब मैं सब कुछ पुट करता हूं, तो 1/F इक्विवेलेंट मिरर = 1/F क्या है, -1/FL. ये यहां पे जाके अपना प्लस बन जाएगा ना, और अपना V2 क्या है, 1/FM -1/FL. तो 1/F इक्विवेलेंट ऑफ मिरर बन जाएगा 1/F mirror -2/focal length of. और फाइनली क्या बना, ये मिरर बनेगा. इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, अरे देखो जो हमारा लेंस जो है उसका काम तो है, दो बार आया ना, तो इसलिए उसके वाले के अंदर फैक्टर आ गया, 2 का फैक्टर आ गया. और तुम्हारे पास जो जो मिरर है वो तो एक ही बार आया, और अल्टीमेटली तुम्हारे पास में क्या चीज बनी, मिरर. तो एंड में तुम्हारे पास मिरर ही बनेगा. तो इस पूरे सिस्टम को रिप्लेस करके यू कैन मेक ए मिरर, एक ऐसा मिरर जिसका फोकल लेंथ ये होगा. और अगर तुमको फोकल लेंथ पता है तो उसके बाद में आ ही जाएंगे सब कुछ.
कर लोगे ना सर? अगर दो लेंस लगे होंगे तो फिर इसी फॉर्मूला में 4/FL कर देंगे? नहीं 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 नहीं, अगर तुम्हारे पास में दो वो लगे हुए लेंस तो पहले उन दोनों का इक्विवेलेंट निकाल लोगे। हाँ भाई ये देखो ना, सपोज तुम्हारे पास में एक लेंस ये लगा हुआ है, एक लेंस ये लगा हुआ है, एक मिरर ये लगा हुआ है। इसका फोकल लेंथ F1, इसका फोकल लेंथ F2, इसका फोकल लेंथ F3। तो पहले तो ये जो दो है इनको रिप्लेस कर सकते हो। इसको रिप्लेस किससे कर दोगे? सपोज इसको तुमने रिप्लेस कर दिया इससे, इसको सपोज तुमने बोल दिया मैं F' तो लिखोगे ना कि F' इक्वल टू क्या बन जाएगा, 1/F1 + 1/F2 और ये F3 है। तो अब जो F इक्विवेलेंट फाइनली क्या बनेगा, मिरर बन जाएगा 1/F3 - 2/F' और F' की वैल्यू यहां से आ जाएगी। तो तुम्हारे पास में कितने लेंस हो, फर्क ही नहीं पड़ता। लेंस के बीच में मिरर होगा? अबे लेंस के बीच में मिरर होगा तो लाइट आगे कैसे जाएगी? सपोज ऐसा हो गया कि ये हमारे पास में ये है, ये हमारे पास में मिरर और एक लेंस यहाँ रखा हुआ है। अब बताओ क्या होगा? अबे पीछे वाले में लाइट जाएगी? फिर वो वेस्ट हो गया। वो तो वेस्ट हो गया ना भाई, यहाँ से लाइट गई, इसके अंदर घुसी, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई, वापस आ गई, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है ना। तो जो भी तुम्हारे पास में लेंस होंगे उनको मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग साइड है उसी तरफ होना पड़ेगा ना, और उसी तरफ होने के अंदर भी कंडीशन दोनों का प्रिंसिपल एक्सिस सेम होना पड़ेगा, क्योंकि जो भी फॉर्मूला हमने और डिराइव किया देख रहे हो ना, हम उनके एक्स कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं सिर्फ, वाई कोऑर्डिनेट की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। और अगर तुम्हारे प्रिंसिपल एक्सिस चेंज हो गए तो फिर तुम्हारे पास वाई कोऑर्डिनेट भी आ जाता है। इसलिए प्रिंसिपल एक्सिस मैं बार बार लिख रहा हूँ वो लाइन, प्रिंसिपल एक्सिस हैज टू बी सेम। अगर प्रिंसिपल एक्सिस सेम नहीं है तो फिर हम पूरा, जैसे हमने स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन किए थे ना कि पहले ऑब्जेक्ट की इमेज बनाते थे फिर उसकी बनाते थे, तो सब कुछ वैसे ही हो जाएगा। तो देखो इसके ऊपर अब क्वेश्चन कैसे आएंगे, सपोज हमारे पास में एक स्फेरिकल बाउल है, इसका तुमको दिया हुआ है रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है सपोज अपना 80 सेंटीमीटर, ठीक है, ये बन गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस। सपोज यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका तुमको डिस्टेंस दिया हुआ है 140 सेंटीमीटर, तो इसकी इमेज होगी निकाल दोगे कहाँ बनेगी? हाँ भाई इसकी इमेज कहाँ बनेगी सर? एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे, मुझे सुनाइए भाई। एक हमारे पास में रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, कॉनकेव है, दिख ही रहा है, जिसका जो रेडियस है वो 80 सेंटीमीटर है। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है प्रिंसिपल एक्सिस पे 140 सेंटीमीटर पे, उसका इमेज कहाँ बनेगा निकाल दोगे? यस सर। है ना, फॉर्मूला ओके लगाना है डायरेक्ट। अब मैंने क्या किया, मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया, थोड़ा सा पानी डालूंगा तो पानी तो ऐसे आ जाएगा ना, ये उसकी जो ऊपर की सरफेस है वो तो कैसी रहेगी, अपने हॉरिजॉन्टल रहती है ना पानी की सरफेस, तो और जो नीचे वाली सरफेस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना बन जाएगा? अरे 80 हो जाएगा ना, पानी को जिस शेप में डालते हो उसका शेप वही बन जाता है, राइट? तो अब बताओ कि अब उसका इमेज कहां बनेगा? और ये पानी बहुत छोटा है, पानी की हाइट नहीं है, अगर हाइट बहुत ज्यादा हो जाएगी तो थिन लेंस वाला फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे ना। तो अब बताओ कि अब उसका इमेज कहां बनेगा? तो अब कैसे करोगे? देखो मुझे पता है फोकल लेंथ ऑफ मिरर कितना है यहाँ पे, 40 - 40, साइन जरूरी है, कॉनकेव है,
है ना। अब बात करता हूं लेंस, पहले तो उसको अलग से बना लो लेंस को। लेंस की एक सरफेस कैसी है, फ्लैट, और एक सरफेस कैसी है, कॉन्वेक्स। इसका रेडियस कितना है, 80 सेंटीमीटर, और म्यू की वैल्यू कितनी है, 4/3। तो ये बन गया फोकल लेंथ ऑफ लेंस, क्या आएगा, 4/3 - 1 और हाँ भाई 1/80। तो 1/ फोकल लेंथ ऑफ लेंस बन जाएगा 1/3 = 240। अब एक लेंस है, एक कैसा है, मिरर है, दोनों को कंबाइंड करके कि क्या बनेगा मेरे पास में, मिरर। और क्या होता है फॉर्मूला, -1/40 - 2/240, यही होता है ना। 1/1 फोकल लेंथ इक्विवेलेंट ऑफ मिरर इक्वल टू 1/ फोकल लेंथ ऑफ मिरर -2/ फोकल लेंथ ऑफ लेंस। तो क्या बन जाएगा भैया, -1/40 - 1/120 तो 4/-120। तो फोकल इक्विवेलेंट कितना बन गया, -30। तो -30, एक ऐसा मिरर जिसका फोकल लेंथ -30 है, तो वो जो मिरर है वो कैसा है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, कॉनकेव। तो हमारा क्वेश्चन ये बन गया। अब हमने सब कुछ छोड़ दिया, हमने बोल दिया ये लो, ये मेरे पास में इसका फोकल लेंथ कितना है, -30। ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, 140 पे, तो बस इमेज आ जाएगा। तो क्या होता है, 1/v + 1/u = 1/f; 1/v - 1/-140 = -30। क्या बन जाएगा, 1/v - 1/30 + 1/140। तो यहां से आ जाएगा v। इतना ही आएगा ना, ठीक है। अरे ठीक है, समझ में आ, इतने चुपचाप क्यों हो सब लोग। देखो यहाँ पे उसने कंडीशन लगा दी कि पानी बहुत कम है। अगर सपोज वो पानी की तुमको हाइट दे देता कि सपोज 4 सेंटीमीटर हाइट का पानी है, तो उस केस में क्या करते हैं, ठीक है। तो अगर इसी केस के अंदर कुछ ऐसा दिया होता कि ये सपोज तुम्हारे पास में ये है और इसके अंदर पानी पूरा भरा हुआ है और ये हाइट दी हुई है h, तो ये जो चीज है ये हमारे पास में ये बनती है कि एक हमारे पास में ये अपना मिरर, ये हमारे पास में लेंस, और ये हमारे पास में स्लैब। तो फिर हम उसके हिसाब से करते, लेंस और जो मिरर है उसका इक्विवेलेंट हमको निकालना आता है, वो हम वो क्या निकाल लेते। और स्लैब क्या करता है, बेसिकली स्लैब तो वो करता है ना, पैरेलल शिफ्ट करता है, तो हम उस ऑब्जेक्ट को पैरेलल शिफ्ट करवा देते और हमारे पास में हो जाता फिर काम। ठीक है, आप देखो मैं SCV के अंदर एक फॉर्मूला और दिया हुआ है कि अगर दो लेंस के बीच में तुमको डिस्टेंस भी दिया हुआ है, सपोज इसका फोकल लेंथ F1, इसका फोकल लेंथ F2, इनके बीच का डिस्टेंस है D। अगर सपोज तुम उसको छोड़ो, मैं तुमको कह दूं कि मान लो मैंने एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, उसका इमेज कैसे बनाओगे, सिंपल सा ही। बस तुमको सपोज इनके बीच का डिस्टेंस भी दिया हुआ है और इसका तुमको दिया हुआ है सपोज इसका डिस्टेंस है X, तुमसे पूछा है कि व्हाट इज द फाइनल इमेज, तो क्या करोगे, पहले फर्स्ट वाले से बनाएंगे फिर सेकंड ऑब्जेक्ट लेके, पहले हम क्या उससे बनाएंगे,
फर्स्ट वाले से बनाएंगे, फिर सेकंड वाले से बना देंगे, हमको डिस्टेंस पता ही है, कोऑर्डिनेट हमारे पास में आ ही जाएंगे। अगर हमारे पास में एग्जाम में आता है तो हमको ऐसे ही करना है, ठीक है, हमको कोई इसके अंदर पंगे नहीं लेने। लेकिन क्या होता है कि अगर इसके लिए जो मैं एक फॉर्मूला होता है डिराइव एफ इक्विवेलेंट, तो एफ इक्विवेलेंट इससे बन जाता है वन अपॉन एफ वन माइनस प्लस वन अपॉन एफ टू माइनस डी अपॉन एफ वन एफ टू। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो वो सिर्फ तुमसे इतना ही पूछेंगे कि बताओ इन दो इस पूरे सिस्टम का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या है। क्या तुम उसे इमेज अगर निकाल सकते हो इक्विवेलेंट बना दिया, सपोज तुमने एक इक्विवेलेंट को ये बना दिया, ये आ गया एफ इक्विवेलेंट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब मुझे बताओ कि इक्विवेलेंट को रखोगे कहाँ पे, पहले वाले के पास या दूसरे वाले के पास। है ना, तो इसलिए ये जो फॉर्मूला है इतना कामयाब नहीं है। लेकिन एसटीवी के अंदर डेरिवेशन दिया हुआ है, वो कहते हैं कि इस लेंस को तुम यहां रखो बीच में यहां पे, और यहां से सेकंड लेंस से इसका जो डिस्टेंस है वो होना चाहिए स्मॉल डी एफ इक्विवेलेंट अपॉन एफ वन, ये होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो चीज है ना सेंसलेस है, मतलब नो यूज, बस तुमको फॉर्मूला याद रख लो अगर बाय चांस, क्योंकि इस बार का जो जेई का एग्जाम मैंने देखा है ना, तो सीधा फॉर्मूला ही पूछ लिया उन्होंने कि बताओ ऐसा ऐसा है तो फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए। तो कल को ऐसा ना हो कि एग्जाम में फॉर्मूला आ जाए और हमको पता ना हो, ठीक है। तो बस फॉर्मूला याद कर लेना कि इफ टू लेंसेज आर एट ए डिस्टेंस डी तो उनका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ये बन जाता है। अगर हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हम अपने स्टैंडर्ड मेथड से करेंगे, हम पहले इमेज बनाएंगे, पहले इमेज को दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट बनाएंगे एंड ला ब्ला ला ब्ला, फिर हम सॉल्व करेंगे। इसके अंदर भी वही स्पेशल फाइनली लेंस वहां पे क्यों रख रहे हैं भाई, वही कर रहा हूं ना, इसका एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड से सारा डेरिवेशन है, हमारे सिलेबस में भी नहीं है, अगर इच्छा हो तो एससीवी के अंदर देख लेना, ठीक है। लेकिन उसका कुछ है ना यूज नहीं है, ना ही कोई उसका एप्लीकेशन है, ना ही उसके ऊपर कोई क्वेश्चन आज तक की हिस्ट्री में आया है और आगे भी आने के चांस भी नहीं है। ज्योमेट्री है वो पूरी, मतलब तो वी कैन स्किप दैट पार्ट, वो हमारे काम की चीज नहीं है। हमारे काम की चीज में ये आते हैं, थिन लेंस और उनके बीच में डिस्टेंस नहीं है, अगर उनके बीच में डिस्टेंस है देन वी कैन गो फॉर फॉर्मूला वन बाई वन, पहले वाले से इमेज बनाएंगे, फिर दूसरे वाले से बनाएंगे, और फिर जो भी हमको फॉर्मूले आते हैं हम उससे करें, हम वी विल नॉट यूज एनी शॉर्टकट फॉर समथिंग, फाइन। आई बताओ किस किस के एग्जाम चल रहे हैं स्कूल में, हाँ भाई सबके चल रहे हैं, सबके चल रहे हैं, सबके चल रहे हैं क्या, तो फिर यार मतलब कि ऑप्टिक्स, अब देखो मतलब कि ऑप्टिक्स के अंदर तुम्हारा लेंस और मिरर पूरा हो चुका है, अभी हमारे पास में एक चीज बचती है प्रिज्म, वो हम करेंगे, ठीक है। फोकस फोकल लेंथ बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड, फोकल लेंथ भाई है यार डिस्प्लेसमेंट मेथड में क्या है, तुमको एक चीज मैंने बताई थी, अगर एक यू है एक वी है, ठीक है, अगर मैं इंटरचेंज कर दूंगा तो क्या होगा, अगर सपोज मेरे पास एक लेंस है, एक ऑब्जेक्ट को मैंने मतलब कि एक्स ने डिस्टेंस पे रखा और उसका इमेज बन रहा है वाई पे, तो अगर मैं ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस को वाई कर दूंगा तो इमेज कहाँ बनेगा, एक्स पे, है ना, एक्स पे बनेगा ना, यही हमारा डिस्प्लेसमेंट मेथड है। क्या होता है, एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल बेंच, इसके अंदर लगा होता है एक लेंस जिसको मैं आगे पीछे कर सकता हूँ। सपोज यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस से थोड़ा सा ऊपर रखते हैं, ठीक है, तो
ये शायद तुमको स्कूल के अंदर भी करवाएंगे, तो ये सपोज मेरे पास में एक लेंस है, ये सपोज इसका ये प्रिंसिपल एक्सिस, और इसको मैंने किसी ऑप्टिकल जो बेंच है इसके ऊपर ये क्या हुआ ना फिक्स किया हुआ, यहाँ पे स्क्रीन लगी हुई है, स्क्रीन रियल इमेज को स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो ना, क्योंकि लाइट एक्चुअल में जाती है। मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट यहां तक मैंने ऐसे एक वो लगा दिया, स्टैंड है ये, और इस स्टैंड के ऊपर एक मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया ए बी ऑब्जेक्ट, और जो लेंस है और ये जो है यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमको ना पता है, ये मान लो कैपिटल डी है, ठीक है, ये जो लेंस है मैंने एकदम मैंने बी के पास में रखा हुआ था, इसको धीरे धीरे आगे लेके गया और मैंने देखा कि स्क्रीन के ऊपर शार्प इमेज आ गया। शार्प इमेज आ गया मतलब क्या है कि एक्चुअल उसी पॉइंट पे इमेज बन रहा है, तो जो पहला इमेज बनेगा बताओ उसका जो साइज है वो मेरे ऑब्जेक्ट से छोटा होगा बड़ा होगा, हाँ भाई, एक ऑब्जेक्ट जो है उसके पास में और लेंस रखा हुआ है, मैं लेंस को धीरे धीरे आगे लेके जा रहा हूं, एक पॉइंट ऐसा आया कि स्क्रीन के ऊपर एक ना इमेज बन गया रियल इमेज, तो रियल इमेज का जो साइज है वो छोटा होगा बड़ा होगा, क्या बोल सकते हो उसके बारे में? छोटा होगा, छोटा होगा, कौन कौन बोल रहे हैं छोटा होगा, कौन कौन बोल रहे हैं बड़ा होगा, हाँ भाई पार्थ सर श्योर नहीं यार, श्योर नहीं हो, प्रतीक्षा अरे नहीं ना कोई उसके अंदर फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है, बस तुमको सोचना है भाई, देखो ये बताओ रियल इमेज कब बनेगा, जब ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच का जो डिस्टेंस है फोकल लेंस से बड़ा होगा, यस यस फोकल लेंस से बड़ा है, तुम धीरे धीरे आगे जा रहे हो स्लोली स्लोली, है ना, तो जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है वो फोकस और 2f के बीच में आएगा ना कभी तो, और जब ऑब्जेक्ट तुम्हारा फोकस और 2f के बीच में होता है तो इमेज कहां बनेगी, 2f और इन्फिनिट के बीच में, अरे उसमें किया था ना मिरर में भी तो किया था, है ना, तो बता मतलब कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बड़ा होगा या इमेज का डिस्टेंस बड़ा होगा, ऑब्जेक्ट पास में है इमेज, सॉरी सर सर ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा, सपोज यहां से का डिस्टेंस है x, तो यहां से यहां का डिस्टेंस कितना आ जाएगा d - x, इस पॉइंट पे जो इमेज बनेगी वो एक तो उल्टी बनेगी, क्यों, क्योंकि अब रियल इमेज है, है ना, तो a डैश b डैश, और इसका जो साइज है साइज कैसा होगा बड़ा, ठीक है, तो यहां से फॉर्मूला क्या बन जाएगा मेरे पास में, 1 अपॉन d माइनस x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू 1 बाई f, राइट, ये आ गया ना फॉर्मूला, अब यहां पे क्वाड्रेटिक बन रही है मेरे पास में x में, देखो ना क्वाड्रेटिक बनेगी, तो हम क्वाड्रेटिक के कितने रूट आएंगे, दो रूट आएंगे, यस, तो मतलब कि देयर आर टू वैल्यूज ऑफ x फॉर व्हिच आई एम गेटिंग द शार्प इमेज, और जो है सेकंड वाली इमेज आएगी वो कैसी होगी, छोटी होगी बड़ी होगी, सर छोटी होगी, वो छोटी होगी, क्यों, 2f के आगे वाली होगी, यस, जो सेकंड वाला जो मेरा केस बनेगा उसके अंदर जो मेरा लेंस है वो यहां होगा और यहां से यहां तक का डिस्टेंस x होगा और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा d माइनस x, क्योंकि u और v को तो इंटरचेंज कर सकते हैं ना, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट मेथड, तो इसमें तुम क्या करते हो कि लेंस को धीरे धीरे आगे पीछे करते हैं और देखते हैं कि कौन से पॉइंट पे शार्प इमेज आ रहा है और फिर थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं हमारे पास फोकस आ जाता है, और ये तुम स्कूल के अंदर भी करोगे ये वाला एक्सपेरिमेंट, फाइन,
तो अभी भाई थोड़ा सा ठीक है, तुम्हारा एग्जाम भी चल रहा है, लेकिन ऑप्टिक्स के जो है लेंस वाले क्वेश्चन है उनकी थोड़ी प्रैक्टिस करो। अब जो ये कॉम्बिनेशन बनेगा लेंस वाला, ये तुम्हारा हाईएस्ट कॉम्बिनेशन है, इसके अंदर मिरर, लेंस, स्लैब, स्फेरिकल सरफेस सब कुछ कंबाइंड हो जाएगा। अल्टीमेटली क्वेश्चन आएगा तो इसी पे आएगा, एडवांस के अंदर, तो मेंस के अंदर तो कहीं से भी पूछ लेंगे इजी सा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना, सबसे पहले अपना एसे ही पूरा करना है, फिर जो तुमको पीडीएफ दिया हुआ है वो पूरा करो, उसके बाद में बुकलेट करना, ठीक है। चलो बाय बाय।